नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 25वां भाग है। दोस्तों, अगर इसके पहले का भाग आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। एक जरूरी सूचना और देनी है कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है हिस्ट्री का, जो टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है, रामबाण पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ ज्योग्राफी के लिए है, वो भी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही अहम है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 61 देखिएगा, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? यह 25वां भाग है दोस्तों। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ईश्वर में विश्वास तो था नहीं, तीर्थकरों में विश्वास ऐसा नहीं है, देवी देवताओं में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, यही विचार था। ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं जो हमारे सुख दुख का निर्धारण करती हो, यह महावीर स्वामी की लाइन थी, पंक्ति थी। टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, शुद्ध शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव दया एवं अहिंसा पर बल दिया है। इनके अनुसार मनुष्य के पुनर्जन्म पर उनके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दे सकते हैं, महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दो जैन तीर्थकरों ऋषभनाथ एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में किया गया है, तो नारायण के अवतार के रूप में उल्लेख किया गया है विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में ऋषभ देव का। प्रश्न 62 देखिएगा, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है? तो देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड थे, इनकी एक पुस्तक थी द लाइट ऑफ एशिया, यह किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है, ललित विस्तार पर, बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, उस पर आधारित है। DIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 63 देखिएगा, दिघ निकाय का हिंदी अनुवाद किया था? दिघ निकाय का जो हिंदी अनुवाद किया था किसने किया था? यह भी बौद्ध ग्रंथ है और इसका अनुवाद किया था राहुल सांकृतायन ने, राहुल सांकृतायन ने किया था, ये बिहार के थे। प्रश्न इसका आप व्याख्या देख लीजिएगा, दिघ निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल सांकृतायन ने किया था। दिघ निकाय बौद्ध ग्रंथ है, यह सूत्र पिटक का प्रथम निकाय है और दिघ निकाय में 34 लेख हैं। प्रश्न 64 देखिएगा, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे यह आपको बताना है, तो बौद्ध काल में 10 गणराज्य थे, विकल्प ए जो है वो सही है आपका। बौद्ध काल में गंगा घाटी के 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। 10 गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्य, अलकंप के बोली, के पुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पाबा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और विदेह के मिथिला शामिल थे। ये सभी कुल 10 गणराज्य थे बौद्ध काल में। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था, जो सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था वो 10 गणराज्य में वह था वैशाली। वैशाली के लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। प्रश्न 65 देखिएगा, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ कपिलवस्तु लुम्बिनी दोनों दिया है तो लुम्बिनी ही सही है, सटीक है, बी। TGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ये। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसापुर में हुआ था। इनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे और उनकी माता महामाया और माया देवी कोली गणराज की राजकुमारी थी, कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 483 ईसापुर में कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, जो शाक्य कुल की कन्या थी। गौतम बुद्ध की पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रश्न 66 देखिएगा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या तो है नहीं, लिंक कुशीनगर में उन्होंने उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। NBS PGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 67 देखिएगा, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध का जो उपनाम था वह था सिद्धार्थ, DIC परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 68 देखिएगा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में हुआ था, गणराज्य नहीं, DIC परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है।
प्रश्न 69 देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है, तो लुम्बिनी कहाँ है, तो यह आपका नेपाल में है, नेपाल में है, विकल्प बी जो है वह सही है, नेपाल में है। प्रश्न 70 देखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन कहाँ के राजा थे, तो कपिलवस्तु के शाक्य थे सुदोधन, जो गौतम बुद्ध के पिता थे। प्रश्न 71 देखिएगा, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे, वह सभा स्थल जहाँ लोग बाहरी लोग आकर भेंट करते थे, मुलाकात करते थे, उसको क्या कहते थे, तो उसे सांथागार कहते थे, सांथागार। ध्यान रखिएगा PGT परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही डुप्ली प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो शाक्य के निर्वाचित गण सभा करने के लिए संथागार में इकट्ठा होते थे, संथागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक मंतव्य में एकरूपता लाने के लिए सदस्यों में बैठक करने का सभास्थल था, जो आधुनिक विधान भवनों जैसा था, विधानसभा भवन जैसा था। प्रश्न 72 देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो सुबद्ध था। गौतम बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम बार दीक्षित किया था, वह था सुबद्ध। PGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ये। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा में भोजन करते हैं, यहाँ सूकर मद्धव भोज्य सामग्री खाने से इन्हें अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं। देखिए सूकर मद्धव जो है, कुछ लोग इसका सुअर के मांस से तात्पर्य लगा लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं यह मशरूम को सूकर मद्धव कहा गया है। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए, यहीं सुबद्ध को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। प्रश्न 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा की घटित नहीं हुई थी, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। संबोधि जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महापरिनिर्वाण जो हुआ था, यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो यह एक था, मतलब एक आश्चर्य की बात थी कि जन्म संबोधि और महापरिनिर्वाण तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, लेकिन गृह त्याग नहीं हुआ था उनका वैशाख पूर्णिमा को। PGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध कहलाए थे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उन्हें बुद्ध कहलाए थे। पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का स्वर्गारोहण समारोह भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी, बाकी जन्म मृत्यु और ज्ञान तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुआ था उनका। प्रश्न 74 देखिएगा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, विकल्प डी जो है सही है, पर TGT परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। सिद्धार्थ ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, कठोर तपस्या हुआ था, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बुद्ध का एक अन्य नाम क्या था, तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान, तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, उन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं गौतम बुद्ध को। ध्यान रखिएगा, सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहते हैं। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ हो, जो प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहा जाता था, अनुशावन प्रस्ताव पाठ जो होता था उसे अनुशावन कहा जाता था। निर्वाण गौतम बुद्ध का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जन्म जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 75 देखिएगा, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं, तो ब्रह्मा ने गौतम बुद्ध से प्रार्थना किया था 3 बार कि वह अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। ऐसा यह भगवान बुद्ध जो थे वह भगवान विष्णु के 9वें अवतार भी थे। तो PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बौद्ध मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वह अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। प्रश्न 76 भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना धर्मोपदेश दिया था वह कहाँ दिया था, तो ऋषि पत्तन में दिया था, सारनाथ में। PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध कहलाए थे, और कहाँ प्राप्त हुआ था, अरुवेला नामक गाँव पे हुआ था, ऋषि पत्तन सारनाथ का नाम है। और पहली बार उन्होंने जो उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, और इसी उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रश्न 77 देखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऋषि पत्तन में दिया था, मतलब सारनाथ में दिया था। प्रश्न 78 देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। PGT परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 79 देखिएगा, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ में दिया था।
प्रश्न 80 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, तो सारनाथ में दिया था, विकल्प भी। यह देखिए, यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो कम से कम यह इस तरह के प्रश्न दिया तो छोटे प्रश्न है, ये तो ध्यान रखना चाहिए। और सारनाथ में ही इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश भी दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो 2013 में कुछ प्रश्न यह आया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। अभी मैं धार्मिक आंदोलन ही चला रहा हूँ, तो जैसे ही धार्मिक आंदोलन आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको धार्मिक आंदोलन का एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें एक ही वीडियो में कुल 150 प्रश्न हैं सारगर्भित व्याख्या के साथ धार्मिक आंदोलन के, तो वह आपके एक ही वीडियो में आ जाएंगे, मास्टर वीडियो में। देखिए दोस्तों, मास्टर वीडियो की भी सीरीज बनी हुई है, घटनाचक्र TGT PGT नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सिर्फ प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल, वैदिक काल या धार्मिक आंदोलन, इस तरह की जैसी सीरीज कंप्लीट हो जा रही है, एक मास्टर वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है। अब आपकी इच्छा, आप अगर 10-12 मिनट का जो छोटा वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तभी देख सकते हैं, मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, 6000 क्वेश्चन का रामबाण PDF ज्योग्राफी के लिए वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त PDF है दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को।